नाउ यू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड में बता दिया आपको, आप हमको सेव करोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। बिल्कुल सिंपल सा है, मैं आपको सिंपली मेथड आपको बताऊंगा। इसमें टू मेथड रहते हैं, ओके, ओनली वन मेथड हमें फॉलो करना। क्लियर है? राइट इन राजवीर मैथमेटिक्स से आपको पता नहीं क्या, आज मैथमेटिक्स का टर्न है। 7.2 किस में होगी? मैथ में होगी ना, एसएसटी में तो होगी नहीं। अब पेज नंबर भी मैं आपको बताएं, पेज 7.2 निकालो, पेज नंबर 103। यानी कि माइंड में खुद को यूज नहीं करना। तो बच्चों ये बोर्ड क्लियर है? भव्य, संदीप, बोर्ड क्लियर है? प्रखर, बोर्ड क्लियर है क्या? राजवीर कह रहे हैं, नेहा शर्मा कह रही है बोर्ड क्लियर नहीं है। ओके, बाकी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, और थोड़ा बहुत तो राइट का रिफ्लेक्ट आएगा। ओके, और जो व्हाइट बोर्ड है उसमें ज्यादा आता है, इसलिए मैंने ये ग्रीन बोर्ड का रखा। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर वन। सिक्स प्लस 0.7, ओके, क्या है? सिक्स प्लस 0.7, इसे हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपल मेथड है, इसके टू मेथड है, वन मेथड मैं आपको पहले बता रहा हूं। इन दोनों को आप रफ में प्लस कर लीजिए, ओके, इनको रफ और प्लस करना, ये आपका रफ वर्क हो गया। आप कहीं भी रफ में कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इनको कर लोगे अगर आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, रफ में क्या किया हमने, सिक्स लिखा, होल नंबर लिखा फर्स्ट। सिक्स के आफ्टर कुछ भी नहीं है, बट यहाँ से पॉइंट के आफ्टर वन डिजिट है, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, 0.0। ओके, सिक्स मीन्स क्या होता है, 6.0, यानी होल नंबर, फिर डेसिमल में कुछ नहीं है, मीन्स 0। नेक्स्ट आपके 0.7 एड करना तो आता हुआ पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट आएगा। ओके, यहाँ 0 एंड यहाँ पर इसको प्लस कर लीजिए। ओके, नाउ एड 7 पॉइंट और इस साइड में 0, यानी कि आंसर इज 6.7। ओके, क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है ये, तो हमने लिखा आंसर। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक समझ में आ गया होगा। आर्यन यादव तो पोस्ट है, आपने पोस्ट किया होगा। ओके, नेटवर्क इश्यू होगा इसलिए पोज हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन प्लस 0.3 प्लस 0.0, ये है आपके। प्रखर, बोर्ड क्लियर नहीं क्या? 90 पर जा पाता अनिश, नेहा शर्मा, उस प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसे प्लस करेंगे, रफ में इसको प्लस कर देंगे। ओके, सेवन ओवर नंबर है, कुछ नहीं, जहां कुछ भी नहीं है वहां हम 0 पुट कर देंगे।
ओके 7 0.3 पॉइंट के बिलो 0.0 एंड 3 एंड 0.0 ओके यहां पर देखिए कुछ भी नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है तो हमने क्या पुट कर दिया 0 ओके बस आपको डेसिमल का ध्यान रखना है यस प्लस कीजिए अभी से 3 3 7 and 1 17.35 लास्ट में आपके 5 है ओके ये 5 कर देते हैं ओके द आंसर इज 17. ओके चेंज कर दिया मैंने 17.35 ओके अंडरस्टैंड रिपीट करना नव्य प्रजापति अगेन हमने इसको रफ में प्लस करना है एंड प्लस 7 प्लस 0.3 प्लस 0.05 ओके रफ में हमेशा ऐड 10 कुछ भी नहीं है 0 7 डेसिमल में कुछ भी नहीं है मींस 0 ओके पॉइंट यहां डेसिमल ऑलरेडी है तो हमने 0 यहां डेसिमल किया है इसके साइड में 0 और राइट हैंड पे 3 नेक्स्ट स्टेप क्या है ये है डेसिमल के बिलो डेसिमल 0 0 एंड प्लस करना है वीडियो पॉज मीन्स आपके वहां नेटवर्क इशू अब देखिए यहां कुछ भी नहीं है ओके तो यहां हम 0 पुट कर सकते हैं नाउ एट 5 3 डेसिमल 7 एंड 1 क्लियर है स्टूडेंट सर प्रखर ओके अंडरस्टैंड
डेसिमल कितने डिजिट है? टू डिजिट। ओके, कितने डिजिट है? टू डिजिट, 3.24 डिजिट। ओके, अब यहाँ देखिए आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है? 1, 2, 3। ओके, यानी इसमें 2 है, इसमें 3 है। ओके, और इसमें क्या है? 8 के बाद में ओनली 1 डिजिट है, और इसमें क्या है? 2.55। अब देखिए इसमें भी 2 है, ओके, और इसमें भी 2 है, तो ये दोनों ये लाइक डेसिमल्स हो गए, बिकॉज इन दोनों में आफ्टर डेसिमल ओनली 2 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 1 है और इसमें 3। ओके, इसी तरह ये भी लाइक डेसिमल, यानी कि कहने का मतलब है आप देखेंगे डेसिमल से पहले कुछ भी लिखा हुआ है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आफ्टर डेसिमल यानी कि डेसिमल के राइट हैंड पे जितने डिजिट है उतने डिजिट बाकी में है, तो मीन्स लाइक डेसिमल्स हो गए, अगर नहीं है तो अनलाइक डेसिमल्स। ओके, तो हमें कन्वर्ट भी करना हो सकता है, तो हम ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं, मैक्सिमम डेसिमल नंबर्स किसमें है? इसमें 3 है, तो बाकी में भी हमको 3 ही करने होंगे। कैसे करने होंगे? बस 0 पुट करना होगा। ओके, उसकी जगह में क्या करना होगा? लास्ट में 0 पुट करना होगा, इक्वल हो जाएंगे। अगर इमेजिन किसी में 2 है, 2 डिजिट है, तो और किसी में 3 है, तो मीन्स 2 को हम एक नंबर बढ़ाएंगे और इंक्रीज करेंगे और उसमें लास्ट में 0 ऐड कर देंगे। ओके, क्लियर है? इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपको? एनी प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन कर लें। आप इस क्वेश्चन में हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, चेंज द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। अब ए देखिए, चेंज करना है हमें 3.01 पॉइंट ये डिफरेंट नंबर दे रखे हैं। ओके, अब देखिए पहले हम ये डेसिमल है, ये अपने कितने नंबर्स हो गए? 1, 2, 3 एंड 4। इन्हें हमें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, लाइक के लिए भी कह सकते हैं, अनलाइक तो रहता है वो। ओके, तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसमें मैक्सिमम नंबर देखिए डेसिमल प्लेस कहां पर ज्यादा है, इसमें देखिए 1, 2 एंड 3। ओके, इसमें डेसिमल नंबर्स कितने हैं? 3। मैक्सिमम को आपको देखना है, आपको 0.3.01 इसमें 2 है, 6.231 इसमें 3 डिजिट हो गए, 1, 2 एंड 3, 3 डेसिमल प्लेस है। इसमें ये होल नंबर है, मीन्स कुछ भी नहीं है, 0 है। ओके, इसमें 3.5 है, मीन्स इसमें 1 है। मैक्सिमम किसमें है? इसमें, और इसमें कितने है? 3, मीन्स हमको बाकी में भी 3 ही करना होगा डेसिमल प्लेस में। डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है उससे हमें कोई मतलब नहीं। ओके, और 2, 3, 1 ये लिखा हुआ है, ये 5 लिखा है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, बस हमें काउंट ये करना है कि ये 3 है। ओके, कैसे आंसर करेंगे? सॉल्यूशन जो भी है आप देखिए 3.01 हमें कितने नंबर्स करने हैं? 3। ओके, 3 करने हैं, यहाँ ओनली 2 है, मीन्स यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? 0। ओके, यहाँ ऑलरेडी 3 है, सेम कॉपी कर लीजिए, और यहाँ ओनली 8 है। ओके, 8 हमने कर दिया, 8 के आफ्टर कुछ नहीं है, होल नंबर मीन्स लास्ट में, इसमें क्या होता है? डेसिमल। ओके, यहाँ मैक्सिमम 3 है, यहाँ भी 3 करनी है, मीन्स 0, 0 एंड 3। ओके, नेक्स्ट आपके क्या 3 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, 3.5, बट यहाँ 1 है, यानी 2 और करना है। ओके, तभी तो 3 होंगे इसमें,
ये हो गया अपने लाइफ डेसिमल, ओके ये आंसर हो गया। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं, थ्री और थ्री डेसिमल के आफ्टर थ्री एंड आफ्टर डेसिमल थ्री हो गया, मीन्स अपना आंसर राइट। ओके स्टूडेंट, बच्चों बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? राजवीर को नहीं दिख रहा बिल्कुल नहीं। नेहा शर्मा जी का भव्य बाकी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा वो रिफ्लेक्ट होगा, आपको खुद भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुछ नंबर जो मैं बोल रहा हूँ उनको वहां आइडेंटिफाई कर लो। ओके वेरी गुड लिपिका, क्लियर है, कुछ रिफ्लेक्शन होगा उसमें हम सेकेंड स्टार्ट कर लें। क्वेश्चन बी, फिफ्टीन पॉइंट सिक्स 81.92 10.221 एंड 1.1, ओके लाइक डेसिमल में इसे कन्वर्ट करना हो। ओके आप कर लेंगे बट मैं करवा देता हूं। गुड मॉर्निंग देवांश, बट मैंने काफी वर्क करवा दिया, आप लेट आए हैं, देख लीजिए आप एक बार मैच कर देना। मैक्सिमम नंबर किसमें है बच्चों? इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, ओके बाकी में भी हमें थ्री करना है। 6 and 0, 0, ओके 81.920 10.221 ऑलरेडी थ्री है यहाँ पे एंड 1.1 फिर, ओके बिल्कुल सिंपल मैच कीजिए एक बार। डन वेरी गुड, नेक्स्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सिंपल है ये। बस आपको ये साइन ग्रेटर देन लेस देन या फिर इक्वल आपको पुट करना, ओके कोई सा मेथड में यूज करना। क्वेश्चन नंबर 1, 0.3 यस, समझना कुछ स्टूडेंट्स को आता होगा कुछ को नहीं आता होगा, ओके कंपेयर करेंगे। फर्स्ट देखिए आप होल नंबर, स्टार्टिंग में इसको होल नंबर को आपको सेव करना है, ओके ये क्या है? जीरो है और ये भी क्या है? मीन्स दोनों इक्वल है जीरो तो, ओके तो यहां से हमें कोई भी इसके बारे में पता नहीं लग रहा,
नेक्स्ट डेसिमल आ रहा है, डेसिमल के आफ्टर यहाँ पर क्या है थ्री है और यहाँ भी क्या है थ्री है, ये भी इक्वल है, इससे भी हमें पता नहीं लगा। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है टू है, यहाँ पर क्या है। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा ग्रेटर हुआ, ये वाला ग्रेटर और ये। ओके तो कौन सा साइन होगा इसमें, जो ग्रेटर है 0.35। ओके क्लियर है, देखिए जो ग्रेटर है उसी तरफ से यहां से ये ग्रेटर भी है, ये देखो यहां से मुंह खुला हुआ है इसका, तो ये ग्रेटर हो गया। आप जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 0.32.35, तो 35 क्या है ग्रेटर है और ये लेस है तो साइन। ओके नेक्स्ट बी 1.85 ये देखो वन है, ये भी वन मीन्स ये इक्वल हो गया। ओके नेक्स्ट क्या है एट है और ये भी एट है, आल्सो इक्वल। बट आप इसमें देखेंगे इसमें ये 18 आ गया। ओके यहाँ पर ये क्या है डेसिमल को आपको जरूर देखना है, यहाँ पर क्या आ रहा है 18 एंड यहाँ पर क्या आ रहा है 1। ओके तो ये तो 18 हो गया और ये ओनली 1 है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ग्रेटर क्या है 18.25। ओके ग्रेटर क्या हुआ 18। अनिश नाथा योर आंसर इज रॉन्ग, एटीन ग्रेटर है मीन्स यहाँ साइन ये होगा। ये 20 था, ये 16.3 16.3 इसे भी हम चेक करेंगे। ओके देखिए 16 है ये भी 16 है, ओके दोनों ये क्या है 16 है। ओके इसमें क्या है 3 है, ये भी 3 है, ये भी इक्वल हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं है बट यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो मीन्स यहाँ पर 0 है और यहाँ भी 0 है, ये सभी क्या हो गए इक्वल हो गए, मीन्स आपके साइन कौन सा आएगा इक्वल। ओके अंडरस्टैंड, लास्ट में कुछ नहीं है तो वो जीरो ही उसमें माना जाता है। क्लियर है बच्चों, यस राजवीर योर आंसर इज आल्सो राइट। ओके राजवीर का आंसर राइट इक्वल आएगा डी 7.77 एंड यहाँ 7.7। बस आपको डेसिमल को देखना है
ओनली यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है डेसिमल के साइड में 77, तो 77 ग्रेटर होता है या होता है? आई थिंक 77 होता होगा, है ना? पता है आपको कौन सा होता है? 77 है ना, तो बस बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आप कर लेंगे, ये फिल कर लेंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स कर लें। अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स क्या होता है? असेंडिंग मीन्स होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, ओके। स्मॉल नंबर है वहां से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे चलना है, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। और हमें मैक्सिमम जो नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर से है वहां से डिक्रीज होते हुए आना है, तो दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें करना है, बढ़ते हुए क्रम में करना है, है ना? सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो स्टार्टिंग में आएगा, नेक्स्ट उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, तो वो ही हमें देखना है। यस, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, ये अपने डेसिमल का है। इमेजिन कीजिए मैं आपको कुछ नंबर दे देता हूँ, 2, 9, 15, 18, 6। इमेजिन कीजिए ये क्वेश्चन है, ये होल नंबर्स के क्वेश्चन है, ओके। अब इसे असेंडिंग में करना है हमें, असेंडिंग में करना है। अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, चेक कीजिए, ये 2 है, 9 है, 15 है, 18 है, 6 है। स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, ओके। तो हमने 2 लिखो। नेक्स्ट में क्या आ रहा है बच्चा? 2 से ग्रेटर कौन सा है इसमें, देखिए 2 से जो ग्रेटर है वो कौन सा है, 6 है, ओके। एंड 6 से ग्रेटर कौन सा हुआ, चेक करो, ये हमने किया, इनमें से चेक करेंगे कौन सा है, 9, ओके। 9 से ग्रेटर इन दोनों में कौन सा हुआ, 14 हुआ, एंड दैट लास्ट में 19। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड असेंडिंग। अब इसी से मैं आपको डिसेंडिंग बता देता हूं। असेंडिंग, ये डिसेंडिंग है, इसी के एग्जांपल से डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। लार्जेस्ट नंबर जो है वो कौन सा है, 19, ओके। डिसेंडिंग बता रहा हूं मैं, लार्जेस्ट कौन सा हो गया, 19, फिर 14, 9, 6 एंड 2, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। दोनों के एग्जांपल्स मैंने बताया आपको, ओके। डिसेंडिंग में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब मैं डेसिमल का एग्जांपल बता रहा हूं, ये आपके, ओके, 7.301, 3.13, 3.013 एंड 1.03, ओके। असेंडिंग,
अब कंपेयर करेंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। ओके देखिए वॉल नंबर 7, 7, 3, 3 एंड 1। अब देखिए वॉल नंबर को कंपेयर किया, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, ये हुआ, कौन सा हुआ, 1 हुआ, या 7 है, 3 है, 3 है एंड 1, तो मींस 1 स्मॉलेस्ट हो गया, मींस ये तो आ गया क्योंकि 1 और कुछ है नहीं, तो हमने डायरेक्ट ये। अब ये अपना क्लियर हो गया। ओके ये हमने कर लिया, अब कंपेयर हमें ओनली इसकी कर लिया। अब इसमें देखिए 7 तो ग्रेटर है और ये दोनों अपने क्या है, स्मॉल है, इसमें हम कंपेयर करते हैं। ओके नाउ वी विल कंपेयर बिटवीन 3.13 एंड 3.013। 3 इक्वल हो गया, 3 के आफ्टर देखिए डेसिमल है, डेसिमल। अब यहाँ पर क्या है 1 एंड यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 1 0, डेसिमल के आफ्टर इसमें ये है, तो इसमें स्मॉल कौन सा हुआ, 0 1 या 1 हुआ, स्मॉल क्या हुआ ये, तो मीन्स ये इससे ग्रेटर हुआ और ये छोटा, तो इससे हम यहाँ लिखते 3.01। ओके और ये इससे ग्रेटर था तो अब हमने ये, और अब कौन सा नंबर बचा, ये बचा लास्ट में, इसके कंपेयर में कोई है नहीं, तो ये 7.301। ओके क्लियर है स्टूडेंट्स, इसमें समझ में आ गया आपको, या एक और मैं बताऊं, आई थिंक आपको आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, उसमें साइन पुट करना था ग्रेटर एंड लेस देन का, तो वही चीज इसमें है, अकॉर्डिंग टू साइन ही हम इसमें करते जाएंगे, कंपेयर करेंगे, हमने होल नंबर कंपेयर किया, होल नंबर में 1 स्मॉलेस्ट है, ये हमने पहले पुट किया, उसके कंपेयर में कोई 1 वाला है नहीं, डायरेक्ट किया 1 के आफ्टर, हमने देखा कि आप इसमें कौन होल नंबर में 7, 3 एंड 3 है, विद 3 वाले यस 7 से रो मतलब, अब इसमें भी हमने कंपेयर किया 3 कॉमन है, इक्वल है आफ्टर डेसिमल, इस यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर 0, तो मीन 0 स्मॉल होता है तो सेकंड नंबर पर जाता है। ओके और इन दोनों में फिर इससे ग्रेटर यह है, ये फिर लास्ट में। ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इक्वल है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया कि एक में असेंडिंग है एंड दूसरे में डिसेंडिंग है, आपको मैंने एग्जांपल में बताया, डिसेंडिंग में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, अगर मेंशन कीजिए डिसेंडिंग में करना होगा हमें, क्वेश्चन एक साथ भी आ सकते हैं अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो असेंडिंग में करना होता है फिर डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में क्या जाएगा, जो लार्जेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो पहले। ओके और स्मॉलेस्ट सबसे लास्ट में, तो ये ऑपोजिट हो जाता है 7.301, 3.13, 3.013 एंड 1.03, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स आप इनको करना, ओके नहीं आएगा समझ में नेक्स्ट क्लास में आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके हैव अ नाइस डे, बाय। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 तो ओनली बुक में मार्क करना है, ग्रेटर देन एंड लेस देन जो भी है वो ओनली बुक में करना है, और आपको बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 एंड 7 ये आपको कॉपी में करना है। ओके इसके अलावा मैं आपको सेंड कर दूंगा, बट आप पहले सेल्फ ट्राई करना कि आपको कितना आ रहा है, आप उसमें देखना, फिर जो मैं भेज दूं सेंड करूं उसमें आप मैच करके फिर आपको इसको फेयर कॉपी में करना। ओके ओके बाय, हैव अ नाइस डे।